हेलो दोस्तों, आज लग रहा है इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। इस दौरान भूलकर भी नहीं करें ये गलतियां। जी हां दोस्तों, ग्रहण के समय मंत्र जाप करने पर पूरी होती हैं इच्छाएं। ग्रहण के सूतक काल को इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान इच्छा पूरी करवाने के लिए किया गया मंत्र जाप बहुत शीघ्र सफल हो सकता है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं, व्यक्ति के मन पर पड़ता है चंद्र ग्रहण का असर। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन प्रभावित करने वाला ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण जब होता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर भी पड़ता है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं, मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को सहना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण में इस बात का खास ख्याल रखें कि आप और आपके परिवार का कोई भी सदस्य चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की ओर नहीं देखे और ना ही चांद की रोशनी में बैठे, ये खास ख्याल रखें। अब आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण में पांच काम कौन से नहीं करने चाहिए। तो पहला कार्य है भोजन ना पकाएं ना ही खाएं। दूसरा काम कपड़े भी ना धोएं। तीसरा काम सब्जी व फल आदि ना काटे। चौथा काम किसी की बुराई नहीं करें। पांचवा काम किसी जीव की हत्या नहीं करें। तो दोस्तों, ये वो पांच कार्य हैं जो आपको ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करने हैं, अन्यथा आपको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहते हैं, सबसे बड़ी सावधानी है इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका कोई भी परिवार का सदस्य चंद्रमा की ओर ना ही देखे, साथ ही ना ही चंद्रमा की रोशनी में बैठे। ये खास ख्याल आपके सभी परिवार के सदस्यों को रखना है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं, 5:22 तक रहेगी चंद्र ग्रहण। आपको बता दें कि दोपहर 1:04 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो कि शाम के 5:22 तक चलेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत सहित अमेरिका, प्रशांत महासागर, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। इस बार सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बार का ग्रहण वृषभ राशि में होने वाला है। चंद्र ग्रहण लगने की तिथि और समय भी जान भी लो। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है भाइयों 30 नवम्बर को दोपहर 1:04 से शुरू हो जाएगा, जो कि 30 नवंबर को शाम 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। वहीं आपको बताना चाहते हैं, सूतक काल में परहेज जरूरी होता है। जी हां दोस्तों, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लगने वाले सूतक काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूतक काल में पूजा पाठ भी नहीं की जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में झोंक, तड़का, धारदार और नकुली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण में भी सूतक काल 12 घंटे पहले का होता है। तो दोस्तों, सूतक काल में आप ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करें। तो दोस्तों, जो भी हमने आपके लिए आवश्यक बातें बताई है, उन सभी बातों का आपको खास ख्याल रखना है, ताकि आपको कष्ट भोगने से बचाया जा सके। साथ ही जो भाई वीडियो को 5 या 6 ग्रुपों में शेयर करेगा, उसको ग्रहण के दौरान एक खुशखबरी सुनाई देगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा शेयर कर अपना यार दोस्त रिश्तेदारों के पास, ताकि आपको भी खुशखबरी सुनाई दे। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।